कौन बहुत निकल गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त कालिंग मोकू। सो दोस्तों, आज आया है बगान, नो डाउट आप लोग देख के समझ गया होगा। और आज मैं झोपड़ी बनाने वाला हूँ, जो मेरा पिछला ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं आज लकड़ी, तेज पत्ता और बम्बू इकट्ठा कर रहा हूँ झोपड़ी बनाने के लिए। तो कंप्लीट हो गया है और आज झोपड़ी बनाने का समय आ गया। गाइस बने रहिए लास्ट तक, इसकी मत कीजिए। मैं यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो यहाँ पे गद्दा करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से और चाटू गद्दा करना है। दो होने वाला है तो ये हो जाएगा। गड्ढा हो गया है, आप लोग देख सकता है गड्ढा ऑलरेडी हो गया है। और मैं पोस्ट भी लगा दिया हूँ, 6 पोस्ट। अब यहाँ पे बैठने के लिए एक बिस्ना टाइप से एक लगाएगा नीचे वाला पे, वहाँ पे तो आग चलाएगा। धूप भी निकल गया है तो इसीलिए ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है अभी मुझे। छाया भी नहीं है, थोड़ा सा उसमें छाया है जिसपे थोड़ा सा बैठता हूँ जब भी ज़्यादा गर्म लगने से काम करते करते। तो अभी मैं सांग ट्राई करेगा यहाँ पे बैठने के लिए। तो आज तो कंप्लीट नहीं करेगा होगा, करना तो चाहता था लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि मैं वो जो तकोपत्ता को जो बांधता है वो रस्सी, हम लोग उसको बोलता है क्या बोलता था आदि में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपंग, हाँ हम उसको अपांग बोलता है। तो अच्छा, उसको मैं आज लेके नहीं आया हूँ, तो मैं इसको करने के बाद सांग उतारने के बाद जो यहाँ पे लकड़ी डालेगा यानी कि जो टकोपट्टा बांधेगा, तो कल कंप्लीट करेगा इसको। सांग का जो ये निचला है, नीचे वाला पार्ट को उतार दिया है। अभी लकड़ी बिताना है, लकड़ी का ऊपर में बम्बू पारा वाला बिताना है, हो गया। उसके बाद बिस्ना वाला टाइप जहाँ पे बैठना है वो हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी ये लकड़ी बिछा दिया है, अभी इसको लकड़ी सबको बांधेगा ये साइड से और उस साइड से, दो बार बनेगा, दो भागों में। गाना सुन सुन के काम करना पड़ रहा है, नहीं तो वो नहीं लग रहा है अकेला जो ना। तो भी बहुत जोरों शोरों से दे रहा है, बहुत गर्म लग रहा है। गरम पानी बहुत गर्म हो रहा है धूप पड़ने के कारण से। इसको सबको बांध लिया है, इसका ऊपर अभी बिताना है बंबू जो पड़ा वाला। तो रेस्ट कर लेगा। तो दोस्तों, अभी रेस्ट कर रहा हूँ, खाना खाने जा रहा है, खाएगा पिएगा, बहुत भूख भी लग गया है। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा साथ बने रह रहा है। तो आज का जो लंच है, हाँ तरस लगा उसका, सब्जी को भी उस आप लोग को हमें दिखा देगा क्या है क्या नहीं पकाया है मिसेस जो। तो ये रहा आज का लंच का सब्जी, बम्बू, रोंडोंग, कॉपी, मिर्चा और ये मिसेस। बात तो सही है। तो अभी भी जंगल बहुत है, आगे में भी है,
काटने के लिए, तो इसको आस्ते आस्ते ऐसे ही करते जाएगा, एक बार में तो हम लोग नहीं कर सकेगा, थोड़ा थोड़ा करके। नमक मिर्चा पटका के दिखता हूँ, ये रहा बम्बू, बम्बू है बम्बू सुरन। टेस्टी। और ये अंडोंग, बहुत टेस्टी है। ठीक है, खाते थोड़ा। आफ्टर लंच फिर से काम में लगना शुरू हो गया है, तो बम्बू उतार लिया जो पा रहा था उस दिन, तो इसको अभी वहाँ में बिछा देगा। लेट्स सी बम्बू कैसे होता है, पहुँचे नहीं पहुँचे वो मुझे ऐसा लग रहा है। देखो हाथ को काट दिया, देख सकते हैं आप लोग कौन बहुत निकल गया हाथ। देखो कौन बहुत निकल, ये सब तो होता ही रहता है, हाथ काटना फटना या इधर लगा है ये साइड में चक करके। दाव को आज सुबह दार किया था तो बहुत ज़ोर से लगा है। सो दोस्तों अभी ये जो लकड़ी है इसका ऊपर जो टैग डालेगा मिस तो कोपट्टा, तो ये वाला हो गया है, इसको काटते समय हाथ को काटा है, तो अभी थोड़ा सा तोको पत्ता एकदम तो गिराएगा, तोको पत्ता नहीं पहुँचेगा यहाँ पे तो है, लेकिन तोको पत्ता नहीं गिरे नहीं जुड़ेगा, तो तोको पत्ता भी काट लेगा। कल कंप्लीट करना है मुझे जैसे भी, और वो बम्बू पारने वाला भी दो और पारना पड़ेगा, नहीं जुड़ा है, हम एस्टिमेट किया था चार का लेकिन ज़्यादा बड़ा बना दिया, छः अभी सात आएगा। सो दोस्तों शाम होने वाला है तो निकल जाएगा, तो आज का ये है, कल आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कल सिर्फ टोको पट्टा वाला को बांधना है और टोको पट्टा लगाना है, और यहाँ में थोड़ा दो बम्बू पारना है और डालना है, बस वही है कल का। सुबह या बारिश कोई तकलीफ नहीं होगा अभी से, तो ठीक है दोस्तों कल मिलते हैं, इसको कंप्लीट को आपको दिखाएगा।